तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। इसके अंदर हम कोई भी अपना लिक्विड सॉल्यूशन ईजिली मेज़र कर सकते हैं। ये अलग अलग क्वांटिटीज़ में आता है, जिस तरह की ये 25 ml है, 5 ml, या ये इसके ऊपर लेबल लगा होता है, पूरी मार्किंग होती है। अब जिस तरह मेरे पास ये 100 ml का है, और ये कांच के भी होते हैं, ग्लास के भी होते हैं, और प्लास्टिक के भी आते हैं ये। और ये जिस तरह 5 ml का, 10 ml का, अलग अलग एज पर जो हमें रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, वो सबसे बड़ा होता है ये। और ये पूरा 1000 ml का होता है, यानी 1 लीटर का। और ये अलग अलग साइज़ के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जितना हम क्वांटिटी हमें चाहिए हम इसके थ्रू ले सकते हैं। हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसके अंदर यहाँ एक रिंग टाइप सर्कल बना होता है। इट मीन्स कि अगर आप इसके अंदर सॉल्यूशन भरेंगे तो यहाँ इस पॉइंट तक आने तक वो पूरा 250 ml होगा। इसमें आप इजीली कोई शेकिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर यहाँ कैप लगी होती है। और ये है फ्रेंड्स वॉच ग्लास। ये अलग अलग छोटे और बड़े साइज़ में आता है, जिसके ऊपर रख के आप अपना कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी चीज़ को ढक के रखना है तो उस पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ होता है। और ये है दोस्तों हमारे पास ड्रॉपर है ये हमारे पास। इसके पीछे की साइड पे देखिए रबर टाइप एक कैप लगी होती है, इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये अपना जो ड्रॉपर है वो अपने अंदर सॉल्यूशन जो है खींचेगा, और दोबारा जब आप छोड़ेंगे तो ये निकाल लेगा। और इस तरह फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये कॉनिकल फ्लास्क है, और इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहा जाता है। इसे इजीली आप मिक्स अगर आपने करना है, कुछ शेकिंग करनी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बाहर गिरने के। इसके ऊपर मेज़र लिखा होता है इसका कि ये कितना ml का है, 250 ml का भी आता है, ये 300 ml का भी आता है। अलग अलग इसकी क्वान्टिटी इसके ऊपर मेज़र होती है। और फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये बीकर। इसके देखिए यहाँ पे एक साइड पे एक बिक बनी होती है, एक चोंच की टाइप, और इसके ऊपर भी मेंशन होता है कि ये कितनी इसकी क्वांटिटी है, और कितना इसके अंदर आप लिक्विड सॉल्यूशन ले सकते हैं। जिस तरह इसके अंदर 300 ml आप डाल सकते हैं, और ये यहाँ पे बिक बनी होती है एक चोंच की तरह, तो इसीलिए इसे बिक कहा जाता है। इसके ऊपर आप पेपर का कोई भी लेबल स्टिकर चिपका के अपना कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं, और ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है। ये देखिए सबसे छोटा साइज़ है 25 ml का भी है। अलग अलग साइज़ में ये बीकर जो हैं वो लैब के अंदर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे पास एक रिएजेंट बोतल है, जिसमें आपने कोई भी अपना केमिकल, अपना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपने कोई भी रखना है। इसके ऊपर इस तरह ग्लास की ही, कांच की होती है पूरी बोतल। इसके अंदर आप ये कैप लगा के इसे बंद कर सकते हैं। इसे कहा जाता है रिएजेंट बोतल, और आप इसके ऊपर अपना कोई भी केमिकल आपने इसके अंदर डाला है, मेक श्योर आप उसका प्रॉपर लेबल उसके ऊपर लगाएं। और आगे फ्रेंड्स ये हमारे पास आती है फनल। अगर आपने अपना कोई भी लिक्विड केमिकल टेस्ट ट्यूब में डालना है, कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, या ब्यूट में डालना है, तो उस टाइम पर ये बहुत यूजफुल होती है फनल। इसका ये फ़ायदा है कि बाहर नहीं गिरेगा। और ये है फ्रेंड्स रिएजेंट बोतल, जिस तरह पहले आपको ड्रॉपर दिखाया था, देखिए पूरा ड्रॉपर इसके साथ ही लगा होता है, और इसमें आप दबा के पीछे की जो रबड़ है उसे दबाएंगे तो ये ड्रॉपर सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो आप इजीली जितना आपको चाहिए आप अपना इसके अंदर ले सकते हैं। इसके ऊपर भी प्रॉपर लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, कंसनट्रेटेड है या डायल्यूट है। तो इस तरह ये वर्क करता है, आप इसके अंदर अच्छे से लेबल लगा के अपना जरूर रखिए जो भी एसिड आपने इसके अंदर डाला है, सो दैट कि वो सबके लिए सेफ हो। इसे रिएजेंट बोतल कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये आगे आती है हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स। ये अलग अलग साइज़ की अवेलेबल होती हैं हमारे पास, इसमें आप कोई भी अपना केमिकल रख के इसे हीट कर सकते हैं। और ये हमारे पास लकड़ का है, इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसके अंदर आप अपने टेस्ट ट्यूब जो है आराम से फिट करके रख सकते हैं, ऊपर की साइड भी और नीचे वाली साइड भी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब अगर गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये टूट जाती है गिर के। और दोस्तों ये हमारे पास है बर्नर। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को, सॉल्ट को आपने हीट करना है, तो लैब में हमारे पास इस तरह बर्नर होता है, और यहाँ से इसकी सप्लाई होगी। गैस का जो कनेक्शन है यहाँ पर लगा होता है, और पाइप के थ्रू गैस आती है, तो आप इजीली यहाँ से
अपना कोई भी केमिकल आपने हीट करना है, गर्म करना, बॉयल करना आप कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए हमारे पास ये है ट्राइपॉड स्टैंड और ये है वायर गेज, ये हम इसके ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे आप अपना कोई भी बीकर या कॉनिकल फ्लास्क, जैसे आपने कोई केमिकल को हीट करना है तो आप इसके ऊपर रख के इस पोजीशन में इसे हीट कर सकते हैं। और इसे आपने ट्राइपॉड स्टैंड को हमेशा नीचे से ही पकड़ना है, क्योंकि ऊपर से हमें नहीं पता होता कि गर्म है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, ये हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि लैब में काफ़ी ब्लास्ट फायर के काफ़ी इंसिडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये फायर एक्सटिंग्विशर। और फ्रेंड्स हमारे पास आगे आती है ब्यूरेट, ये काफ़ी 50 ml की होती है, काफ़ी लंबी दिखती है देखने में, और ये स्पेशली यूज़ होती है टाइट्रेशन के लिए। और इसमें आप अपना सॉल्यूशन भर के इजीली टाइट्रेशन कर सकते हैं, ऐसे कहा जाता है ब्यूरेट। और ये है फ्रेंड्स पपेट, इसे 20 ml की पपेट है, अलग अलग क्वांटिटी में आती है ये, इससे आप सक कर सकते हैं कोई सॉल्यूशन आपने निकालना है अगर। इसके भी ऊपर एक रिंग बना होता है जिसमें आप पूरा मेज़र कर सकते हैं कि ये 20 ml है, और 5 ml के ऊपर भी रिंग बना होगा। इसे फ्रेंड्स कहा जाता है, पूरी ग्लास की बनी होती है, इसे पीपिट कहा जाता है। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमारा लैब का स्पैचुला, ये एक चम्मच की तरह दिखने में होता है, स्पून टाइप। इसमें दोनों साइड से आप केमिकल जो है वो उठा सकते हैं, कोई भी एसिड आपने उठाना है और कंपाउंड कोई भी उठाना है तो आप दोनों साइड से उठा सकते हैं। अगर हीट करना आप इसके थ्रू हीट भी कर सकते हैं। और ये आता है फ्रेंड्स टोंग, एक कैंची की तरह होता है ये टोंग, इससे आप कोई भी टेस्ट ट्यूब अगर आपने उठानी है या फिर आपने कोई चीज़ हीट की है, कोई ग्लासवेयर आपने गर्म किया है, उसे हाथ से उठाने में आपको यहाँ पे इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी हीट हो जाएगा, तो ये टोंग यूज़ कर सकते हैं हम। और आगे हमारे पास ऑपरेटर्स आता है ये लैब का, जिसे कहा जाता है ओवन। देखिए इसके अंदर आप कोई भी अपना कंपाउंड, कोई भी केमिकल रख के आपने जितना उसे हीट करना है यहाँ से उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि कितनी उसे हीट चाहिए, आप कितने टाइम के लिए उसे हीट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और ये है हमारे पास एक ब्यूरेट स्टैंड, जिसके ऊपर ब्यूरेट का हम पूरा ये क्लंप है इसका, इसके ऊपर रख के हम ब्यूरेट को इसके अंदर फिट कर देते हैं, और उसके बाद ये टाइट्रेशन के टाइम ही यूज़ होता है ज़्यादा, और इसके थ्रू हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो क्लंप है ये स्प्रिंग टाइप होता है, और ये ईज़िली हमारी जो ब्यूरेट है उसे कैरी कर लेता है। और आगे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मैग्नेटिक स्ट्रिंग, मैग्नेटिक स्टीरर, और इसे हॉट प्लेट भी कहा जाता है। ये इससे हम इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट होता है हीट, और इससे हम टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेन सप्लाई है, स्विच ऑफ ऑन ऑफ का भी पार्ट यहीं पे है, स्विच है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा जो हमने अगर हीट करना है कुछ भी, आप इसके ऊपर रख के इजीली हीट कर सकते हैं। और आगे आता है फ्रेंड्स ये एक रिंग टाइप होता है, गोल तरह इस तरह का, इसे कहा जाता है वाटर बाथ। इसके अंदर आप कोई भी, अगर आपने पानी के अंदर कोई चीज़ अपना कंपाउंड आपने हीट करना है डायरेक्ट, अगर हम फायर के अंदर नहीं हीट कर सकते तो उसमें पानी डाल के हम इसे बॉयल करने के लिए रख सकते हैं, और उसी के अंदर आप अपना कोई भी कंपाउंड आपने गर्म करना है या ठंडा करना है वो रख सकते हैं। जिस तरह अगर ठंडा करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के साइड में आइस रख दीजिए और बीच में अपना बीकर रख दीजिए, इसे कहा जाता है वॉच, इसे कहा जाता है वाटर बाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, गुड बाय।